हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस गुरुवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक बेहद इंटरेस्टिंग सेशन सामने खड़ा है। दो इंपॉर्टेंट चीजें जिसके लिए निफ्टी 50 की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का दिन है और आज से रिजल्ट सीजन का दरअसल आगाज होने जा रहा है। कई सारी इंटरेस्टिंग कंपनीज के रिजल्ट्स लाइंड अप है। ग्लोबली मूड कैसा है क्विकली स्क्रीन पे दिखा देता हूं। यूएस के बाजारों में कल 2/3 से 1% के बीच मजबूती थी। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, संकेत बढ़िया है, एशिया ठीक ठाक कामकाज कर रहा है और गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है एक्सपायरी के दिन हमारे बाजार भी 100 पॉइंट से ज्यादा ऑलमोस्ट 0.5% के उछाल के साथ कामकाज की शुरुआत करेंगे। ऐसे में टीम लाइनअप आपके सामने रख देता हूं मैं। वैसे मैं सोच के आया था लेकिन अब तो और कन्विक्शन के साथ टाटा ग्रुप एंटिटी सोच के क्या आया था मैं, क्योंकि आज नतीजे आने थे टाटा एंटिटीज के, इसलिए रडार पर रखा था मैंने उन स्टॉक्स को, क्योंकि कल ही मैं बातचीत कर रहा था कैसे नंबर्स रह सकते हैं। टीसीएस पहला रखिए स्क्रीन पे। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो शाम को इंटरव्यूज, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कैंसिल हो गई है इस दुखद हादसे के बीच, इस दुखद अपडेट के बीच। अभी ये क्लैरिटी आनी बची कि क्या रिजल्ट्स आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन जो भी है ध्यान रखिएगा यूएस फेड के उन कट्स के बाद ये माना जा रहा है डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स का एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में। ये आईटी एज अ स्पेस रिकवरी की तरफ बढ़ रही होगी, बेहतरीन कंपनी है, सॉलिड पेडिग्री है टीसीएस रडार पे। टाटा मोटर्स ग्रीन में रख के चल रहा हूं, अब वो ग्रुप को भी सलाम है, टाटा सर की लेगेसी को भी सलाम है, लेकिन हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे कैसे ओवर द इयर्स इसने इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर गाड़ियों से दबदबा बनाया, किस तरह की ग्लोबल प्रेजेंस बनाई। खैर, जेलआर को लेके ध्यान रखिएगा, अपडेट जो आए थे वो खुद ही कह रहे थे सेकेंड हाफ इस फाइनेंशियल ईयर का अच्छा रहेगा हमारे लिए और जेलआर FY25 के कमिटमेंट्स हैं डेट फ्री होने के, नजर रखिएगा इस स्टॉक पे। टाटा मोटर्स ग्रीन रखा है मैंने। एक कंपनी अगर जिनके साथ आपने स्टिक करा होता है इस ग्रुप की और आज भी उतनी प्रोमिनेंट है, टाइटन कंपनी, ज्वेल है, रतन है इस पूरे टाटा एम्पायर, गजब का परफॉर्मेंस। और आज भी जिस तरह के मार्केट शेयर्स हैं, जिस तरह का पूरा पाए बढ़ रहा है, जिस तरह का उस पाए में ऑर्गेनाइज का शेयर बढ़ रहा है और उस ऑर्गेनाइज के शेयर में टाइटन का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, मल्टीपल टेलविंड्स है, ग्रीन ही रखेंगे इस काउंटर को। मैंने कहा था मैं कुछ टाटा स्टॉक्स लेके आया था पहले से, टाटा एलेक्सी आज रडार पे था, रीसेंट पिटाई के बाद लग रहा था बड़ी अच्छी जगह खड़ा हुआ है, एक्सपेक्टेशन है कि नंबर्स शायद या एटलीस्ट कमेंट्री शायद बेहतर होती हुई नजर आएंगे। ये देखिए चार्ट पे प्लीज, मैं ग्रीन लेके जा रहा हूँ इस स्टॉक को भी और साथ में अदानी एंटरप्राइजेस QIP कल शाम को लॉन्च हो गया है फंड। ये ग्रुप जो जब इश्यूज आए थे उसके बाद से धीरे धीरे आपने नोटिस करा होगा कैसे इक्विटी मोबिलाइज कर रहा है, कैश रेज कर रहा है, फंड्स रेज कर रहा है, कैसे अपनी बैलेंस शीट को लगातार रीसेलेक्ट कर रहा है। ग्रीन है इस QIP इश्यूएंस के बीच। 5 हो गए वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। ट्रेडर्स से वकालत यही है, ट्रेड्स पे ध्यान दीजिए, पिवट टेबल्स पे ध्यान दीजिए, कॉल आइटर्स के जोन अगर बाइसेक्ट होते हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। पहला ट्रेड पिक करूंगा एक्साइट, लास्ट वीक भी मैंने पिक किया था टीम में, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, कल एक स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है, ऑटो में कल स्ट्रेंथ थी, 520 अगर बाइसेक्ट करे एक्साइट ग्रिप कीजिएगा इसको, स्ट्रेंथ है अच्छी, अच्छा स्ट्रॉन्ग वायरिएशन हुआ है, कल 25 रुपये ऊपर था और जब तक 510 के ऊपर है स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 500 रुपये। मेरा प्रेफर्ड स्पेस है पिछले 10 दिन से IT, HCL Technologies, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के कगार पे है, कल अभी एक 1824, 1830 पे एक सप्लाई जोन है, अगर उसको बाइसेक्ट करें ग्रैब कीजिएगा, सेफ है टिल द टाइम 1810 के और 1820 के, और मतलब जिस तरीके से अगर आप जोन में कल इसने कंसोलिडेट किया है, 1800 के ऊपर पुट राइटिंग हुई है, 1780 पे पुट राइटिंग हुई है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और ब्रेकआउट कन्फर्म होगा इसका 1820 के 4 के ऊपर। LTI Mindtree स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और 6460 6480 याद रखिएगा एक सप्लाई पॉइंट है, अगर वो पार होता है तो एक अच्छे ब्रेकआउट के लिए तैयार है। इस स्टॉक में बड़ी बात अच्छी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर है, बाकी IT चल रहे हैं, कोई 52-week हाई पे, कोई ऑल टाइम हाई पे है, बट ये एक लोअर ट्रैजेक्टरी से ऊपर निकलता हुआ। उसके बाद मैं MPX पिक करूंगा, ज़्यादा डिफाइन नहीं करूंगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, जिस प्रकार का कॉल कंसंट्रेशन 6500 पे है, अगर 6500 की ट्रैजेक्टरी पार हो रही, माफ कीजिएगा 6000 पे जिस प्रकार से अगर आप देखें पुट राइटिंग हुई है, 6000 जब तक होल्ड कर रहा है डे ट्रेडर्स के फेवर में जाएगा, अब कॉल कंसंट्रेशन सिर्फ 6500 पे है, तो अगर इस जोन को बाइसेक्ट करता है
61.60, 61.80, तो 6500 की ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी इसके लिए। और मेट्रोपोलिस डायग्नोस्टिक स्पेस में स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी खासी है, इसको मैंने बार बार टीम में अपीयर भी रखा है। ट्रेड अगर आपके ग्रिप में है कैरी करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्ट्रक्चर अच्छा है। और फ्रेश ब्रेकआउट इसका करीब करीब 23.10-23.20 की ट्रैजेक्टरी में होगा, ये प्रोजेक्शंस मैं आरडी चार्ट्स के आधार पर कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं एक स्टॉक और आशीष मेंशन कर देता हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग कल ब्रेकआउट दिया, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, पॉलीकैप, कल भी मेरी टीम में था, स्टैट्स मेरे फेवर में है, पुट राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है, ऑल टाइम हाई पे क्लोज एक पॉलीकैप। तो ये थी अभी तक की अगर आप देखें आशीष के चार खिलाड़ी, और मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 खिलाड़ी बता दिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो और ट्रेड्स पिक करेंगे। अरे मैं हूं ना, मैं बताना चाहता हूं। इनफैक्ट एक काम करते हैं, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं आशीष, अरे हाँ मैंने कहा डायरेक्टर साहब पहले ब्रेक लेना था। अरे अभी क्यों ब्रेक लेना, आप बदतम पानी पीजिए, मैं अब तक मैं टीम बताता हूँ। आरसीएफ एक और, आरसीएफ को मैं ग्रीन लेके चलता हूँ, हालांकि इन्होंने वीरू से में पानी पी रहे हैं, ऑर्डर डोल आउट कर दिया है, ये केपेक्स रिलेटेड अपडेट कह लीजिए, 1200 MTPD की कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर प्लांट खड़ा करना चाहते हैं, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए का LNT का ऑर्डर दिया है। बढ़िया केपेक्स अपडेट है, ग्रीन कर रहा है। मैंने आरसीएफ को LNT के लिए तो क्या है, उसकी स्वेलिंग ऑर्डर बुक के लिए तो कुछ ज़्यादा मीनिंगफुल स्टॉक मूव करने लायक है नहीं, इसीलिए उसको नहीं मेंशन कर रहा, अदरवाइज उसके लिए भी पॉजिटिव है लॉजिकली। तो IDFC फर्स्ट बैंक को मैंने लाल रखा है, पर ये ऑलरेडी बहुत अंडर परफॉर्मर स्टॉक है, लाल इसीलिए आज से IDFC लिमिटेड का अमेलगमेशन हो जाएगा, उसकी तो एक्स डेट हो गई। IDFC लिमिटेड वालों को IDFC बैंक के शेयर्स अब मिल जाएंगे फर्स्ट बैंक के, इसीलिए कुछ हद तक कल वो बाइंग IDFC लिमिटेड में हुई, बाइंग मतलब लार्ज ट्रेड्स की डेटा में आपको मिलेगा, कई लोगों ने खरीदारी करी थी क्योंकि स्वैप के हिसाब से वो लोग खरीदारी कर रहे थे, इसके लिए ओवरहैंग है। क्या IDFC लिमिटेड को जिनको IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर्स मिल रहे हैं वो रखेंगे या सेलिंग के लिए आएंगे वो देखना पड़ेगा। दो ब्रोकरेज रिपोर्ट अच्छी लग रही हैं, वरुण बेवरेजेस HSBC का बाय कॉल 780 के टारगेट्स, कल ही खबर थी QIP की 7500 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई साहब बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, डेट रिपे करेंगे, ग्रोथ पे फोकस करेंगे, इसलिए अच्छा लग रहा है। और दूसरा इंडियन ऑयल IOC, कल मैंने OMC तीनों मेंशन करी थी, दो मेंशन करी थी ये कहते हुए कि मूड मॉल सही हो रहा है। मोतीलाल ओसवाल की एक बढ़िया सी रिपोर्ट है, खरीदारी करने का कॉल है, इसकी रिफाइनरी कैपेसिटी का एक्सपेंशन, प्रोडक्शन ग्रोथ आउटलुक रोबस्ट वगैरह वगैरह, कल बाकी दोनों ज्यादा अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे थे, IOC को रडार पर रख दिया, 10 हो गया वीरू। ओके, मैं भी बाकी ट्रेड्स यहां पे करता हूं आशीष। सिंजन फार्मा में कल काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, लेकिन मैं लोकेट कर रहा था बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इसने कल एक अच्छा क्लोज दिया है, और कॉल कंसंट्रेशन अब याद रखिएगा है 900 पे, अगर 900 का जोन बाइसेक्ट होता है तो ये स्टॉक सबसे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होल्ड करता है। कल ल्यूपिन को देखा आपने, कल डेनमार्क को देखा आपने, कल दिवीज को देखा आपने, अब रखिएगा नजर सिंजन पे। HDFC लाइफ स्ट्रॉन्ग क्लोज, 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया, 10-day 20-day के ऊपर क्लोज हुआ, ऑप्शंस डेटा सपोर्टिव है और OI एडिशन सब्सटेंशियल हुआ है, मेरी निगाहें रहेंगी HDFC लाइफ में इस स्पेस पे। मैक्स फाइनेंशियल की कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज है और सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ है, हल्का सा कॉल कंसंट्रेशन यहां पर भी अब 1200 पे है। मैं बात क्या कह रहा हूं ध्यान दीजिएगा, कहां कॉल कंसंट्रेशन है, अगर उस जोन को बाइसेक्ट करता है तो स्विंग अच्छे मिलेंगे। मैक्स फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, और उसके बाद जो मैं लास्ट स्टॉक पिक कर रहा हूं वो है अपोलो हॉस्पिटल्स। सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स में कल बाइंग थी, अपोलो ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया है 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, लास्ट 15-day में इसमें रिट्रेसमेंट था, लेकिन कल 50-day मासिक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है। नजर रखिएगा 7000 के ऊपर निकलना, 7000 के कॉल आइटर्स के जोन के ऊपर निकलना, ये इसकी अब तक की उपलब्धि है कल के सेशन की। तो ये थे मेरे 10 स्टॉक्स, आशीष के 10 स्टॉक्स हो गए। डायरेक्टर साहब आप ब्रेक लेते हैं फाइनली, है ना, एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे टीम्स को एक बार फिर। सीधा सौदा में आप सभी का फिर से स्वागत है, मैं टीम्स अपनी स्क्रीन पर रखता हूँ फटाफट, थोड़ा समय का अभाव है। आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ उन स्टॉक से जहाँ पे कल मोमेंटम था, एक्साइड इंडस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग क्लोज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, और उसके बाद IT मेरा प्रेफर्ड स्पेस है, HCL टेक्नोलॉजीज, LTI माइंडट्री यहाँ पे मैं पिक कर रहा हूँ, उसके बाद MCX एक्सचेंजेस की कैटेगरी में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, मेट्रोपोलिस में जो डायग्नोस्टिक का मूव था वो अभी कायम है, पॉलीकैप का स्ट्रॉन्ग क्लोज, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन स्टैट्स, सिंजन होल्ड्स बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन एंटायर फार्मा स्पेस, इस पर नजर रखिएगा, अच्छा मूव आ सकता है। HDFC लाइफ स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ,
मैक्स फाइनेंशियल का अगर आप देखें जो ऑप्शन टेस्ट है वो काफी अच्छे खासे हैं, और अपोलो हॉस्पिटल्स जो हॉस्पिटल स्टॉक्स की कैटेगरी है उसमें कल एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जनरेट किया इसने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूवमेंट से। आशीष, मेरी पूरी टीम आज हरी है, मस्त हरी है, मेरी भी लार्जली हरी है, पर जैसे न्यूज फ्लोस तो वैसे रखा है लाल और हरे के बीच में। टाटा ग्रुप की कुछ एंटिटीज, जबरदस्त एंटिटीज आपकी स्क्रीन पे, TCS, टाटा मोटर्स, टाइटन, और नंबर से पहले टाटा एलेक्सी को भी इन ग्रीन रखा है। अदानी इंटरप्राइजेस का QIP लॉन्च, तो ओबेरॉय रियल्टी की आज बोर्ड मीट फंड रेजिंग पर, और भी इक्विटी इश्यूएंस के थ्रू। RCF ने बढ़िया केपेक्स का अनाउंसमेंट करा, बल्कि अवार्ड लेटर ऑफ अवार्ड डोल आउट कर दिया। वरुण बेवरेजेस इंडियन ऑयल पे बढ़िया ब्रोकरेज रिपोर्ट्स थी, और IDFC फर्स्ट बैंक वो सप्लाई ओवरहैंग, क्योंकि IDFC लिमिटेड के शेयर्स भी अब यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे, उसका सप्लाई ओवरहैंग